Good morning, class 5. This is your Hindi literature class and we are doing chapter 2, Guru Ka Gyan. So, हमने पिछली क्लास में कठिन शब्द किए थे, शब्द अर्थ किए थे और मौखिक प्रश्न किए थे. आज हम करेंगे लिखित प्रश्न. अभ्यास कार्य 1, हाँ या नहीं में उत्तर लिखिए. नंबर 1, तानसेन सबसे मधुर गाते थे? बताइए, तानसेन के सबसे मधुर गाते थे? नहीं. तानसेन से मधुर भी कौन गाता था? तानसेन से भी मधुर उनके गुरु संत हरिदास जी गाते थे. तो इसका उत्तर होगा नहीं. सेकंड पार्ट, अकबर बादशाह के वेश में संत हरिदास के पास गए. क्या अकबर बादशाह के वेश में गए थे संत हरिदास के पास? नहीं, वो एक सेवक के वेश में गए थे. तो इसका उत्तर होगा नहीं. थर्ड पार्ट, तानसेन आजीविका के लिए गायन करते थे? तानसेन आजीविका के लिए मतलब अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए गायन करते थे, गाने गाते थे? हाँ, इसका उत्तर होगा हाँ, तानसेन अपनी आजीविका के लिए गायन करते थे. सो थर्ड का उत्तर है हाँ. फोर्थ पार्ट, गुरुजी स्वार्थ भाव से गाते थे? जो तानसेन के गुरुजी थे संत हरिदास जी, क्या वो स्वार्थ के लिए गाते थे? नहीं, इसका उत्तर होगा नहीं. क्यों? क्योंकि जो उनके गुरु थे संत हरिदास जी, वो निस्वार्थ भाव से गाते थे. तो पहला है, तानसेन सबसे मधुर गाते थे? नहीं. अकबर बादशाह के वेश में संत हरिदास के पास गए? नहीं. तानसेन आजीविका के लिए गायन करते थे? हाँ. गुरुजी स्वार्थ भाव से गाते थे? नहीं. कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज क्लास. दूसरा अभ्यास कार्य है हमारा, पाठांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए. यहाँ एक पाठांश दिया हुआ है, पाठ का एक अंश दिया हुआ है, इसको हमें पढ़ना है और इसके बाद हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है. क्या है हमारा पाठांश? वे मेरे संगीत गुरु हैं, लोग उन्हें संत हरिदास के नाम से जानते हैं, उन्हें सादगी बहुत पसंद है, वे मानते हैं संतन को कहाँ सीकरी सो काम. तो ये हमें एक पाठ का अंश दिया हुआ है. अब पहला प्रश्न है, उपयुक्त पंक्तियों में वे शब्द किसके लिए आया है? उपयुक्त पंक्तियों में वे शब्द दिया गया है, तो ये वे शब्द किसके लिए आया है? वे शब्द संत हरिदास के लिए आया है. वे शब्द संत हरिदास के लिए आया है. प्रश्न 2, संत हरिदास किसके गुरु थे? संत हरिदास जो थे वो किसके गुरु थे? संत हरिदास तानसेन के गुरु थे. संत हरिदास तानसेन के गुरु थे. प्रश्न नंबर 3, संत हरिदास का व्यक्तित्व कैसा था? मतलब उनका नेचर कैसा था, वो किस टाइप के इंसान थे? संत हरिदास का व्यक्तित्व सादगी भरा था. ये हमें पाठांश में बताया गया है कि उन्हें सादगी बहुत पसंद है. तो संत हरिदास का व्यक्तित्व कैसा था? संत हरिदास का व्यक्तित्व सादगी भरा था. ठीक है क्लास. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, संत हरिदास का क्या मानना था? वे क्या मानते थे? संत हरिदास मानते थे संतन को कहाँ सीकरी सो काम. तो इसका उत्तर है, संत हरिदास का मानना था कि जिसने अपना घर त्याग दिया हो, उसे मुगल साम्राज्य की राजधानी फतेहपुर सीकरी से क्या लेना देना. जैसे कि वो अपना घर त्याग चुके थे तो उनको किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं था, उनको किसी भी फतेहपुर सीकरी से भी उनको कुछ लेना देना नहीं था. तो वो उनका क्या मानना था? तो उत्तर है, संत हरिदास का मानना था कि जिसने अपना घर त्याग दिया हो, उसे मुगल साम्राज्य की राजधानी फतेहपुर सीकरी से क्या लेना देना. तो ये थी अभ्यास कार्य 2. अब हम आते हैं अभ्यास कार्य 3, उत्तर लिखिए. ठीक है क्लास. तो हमारा पहला प्रश्न है, तानसेन के गायन के विषय में अकबर के क्या विचार थे? मतलब तानसेन के तानसेन की गायकी थी, जो वो गायन करते थे, उसके बारे में बादशाह अकबर के क्या विचार थे? तो इसका आंसर है, तानसेन के गायन के विषय में अकबर सोचते थे
कि तानसेन की आवाज़ दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। अकबर क्या सोचते थे? उनको लगता था कि तानसेन की आवाज़ पूरी दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सबसे अच्छी है। तो इसका उत्तर है, तानसेन के गायन के विषय में अकबर सोचते थे कि तानसेन की आवाज़ दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। ओके क्लास, अब नेक्स्ट प्रश्न, अकबर संत हरिदास से क्यों मिलना चाहते थे? बादशाह अकबर ने संत हरिदास से मिलने की इच्छा क्यों जाहिर की थी? तो इसका उत्तर है, अकबर संत हरिदास से उनका गायन सुनने के लिए मिलना चाहते थे। अकबर किस लिए मिलना चाहते थे? उत्तर है, अकबर संत हरिदास से उनका गायन सुनने के लिए मिलना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, गुरुजी को कैसे पता चला कि तानसेन के साथ बादशाह थे? गुरुजी को कैसे पता चला कि तानसेन के साथ बादशाह हैं, जबकि बादशाह अकबर वहाँ सेवकों के रूप में गए थे? लेकिन गुरुजी को कैसे पता चला कि वहाँ वो सेवक नहीं एक बादशाह हैं? गुरुजी को बादशाह अकबर के हाव भाव से पता चला कि तानसेन के साथ बादशाह थे, क्योंकि जो बादशाह होता है वो चाहे कोई भी रूप धारण कर ले, लेकिन जो उसके हाव भाव होते हैं, जो वो उसके वही रहते हैं। इसलिए उत्तर है, गुरुजी को बादशाह अकबर के हाव भाव से पता चला कि तानसेन के साथ बादशाह थे। ठीक है क्लास, अब आते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे। तानसेन ने गुरुजी जितना मधुर सुमधुर ना गा पाने का क्या कारण बताया? तानसेन अपने गुरुजी संत हरिदास जी की तरह इतना सुमधुर क्यों नहीं गा पाते थे? तो इसका कारण उन्होंने क्या बताया? तो इसका उत्तर है, तानसेन ने गुरुजी जितना सुमधुर ना गा पाने का यह कारण बताया कि गुरुजी निस्वार्थ भाव से गाते हैं। गुरुजी कैसे गाते हैं? वो बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से अपने आनंद के लिए गाते हैं, लेकिन जो तानसेन गाते हैं उनका उसमें स्वार्थ है। क्यों? क्योंकि वो अपनी आजीविका चलाने के लिए गाते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का उत्तर है, तानसेन ने गुरुजी जितना सुमधुर ना गा पाने का यह कारण बताया कि गुरुजी निस्वार्थ भाव से गाते हैं, जबकि वे स्वयं मतलब तानसेन अपनी आजीविका के लिए गाते हैं। ठीक है क्लास, तो ये हैं हमारे 4 क्वेश्चंस, ये आप अपनी नोटबुक्स में कॉपी करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइजेस। अब आते हैं हम पेज नंबर 17 की अभ्यास कार्य 1 पर। दिए गए शब्दों के विलोम रूप लिखिए। विलोम रूप कौन से होते हैं? शब्दों का उल्टा कर देना। ठीक है, तो हमें यहाँ दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। तो पहला शब्द है आगे, आगे का विलोम होता है पीछे। नेक्स्ट वर्ड गुरु, गुरु गुरु का विलोम है शिष्य। थर्ड वर्ड है राजा, राजा का विलोम है रंक। फोर्थ वर्ड है अंधेरा, अंधेरे का विलोम शब्द है उजाला। नेक्स्ट इज सत्य, सत्य का विलोम है असत्य, सत्य असत्य। नेक्स्ट स्वार्थ, स्वार्थ का विलोम है निस्वार्थ, स्वार्थ निस्वार्थ। सरल, सरल का विलोम है कठिन, सरल कठिन। नेक्स्ट है आरंभ, आरंभ का विलोम है अंत, आरंभ करना मतलब शुरू करना, अंत करना मतलब खत्म करना, आरंभ अंत। एक बार मैं रिपीट करती हूँ, आगे पीछे, गुरु शिष्य, राजा रंक, अंधेरा उजाला, सत्य असत्य, स्वार्थ निस्वार्थ, सरल कठिन, आरंभ अंत। अब हम आते हैं दूसरे अभ्यास कार्य पे। पाठ में आए इन शब्दों के दो दो समानार्थी रूप लिखिए। समानार्थी रूप कौन से होते हैं? जो शब्द एक समान होते हैं, मतलब जिनका मीनिंग एक होता है, जिनका अर्थ एक निकलता है, समान अर्थ वाले शब्द लिखना है हमें यहाँ। पहला शब्द दे रखा है गुरु, गुरु के दो समानार्थी हैं शिक्षक और अध्यापक।
गुरु के दो समानार्थी हैं शिक्षक और अध्यापक। दूसरा वर्ड है आँख। आँख के दो समानार्थी शब्द हैं नैन नेत्र। नेक्स्ट है घर। घर के दो समानार्थी शब्द हैं सदन गृह सदन गृह। नेक्स्ट वर्ड है पुत्र। पुत्र के समानार्थी शब्द हैं बेटा सूत बेटा सूत। लास्ट वर्ड है दुनिया। दुनिया के समानार्थी शब्द हैं जगत और संसार जगत और संसार। एक बार मैं रिपीट करती हूँ आप लोगों के लिए। पहला वर्ड था गुरु। गुरु के समानार्थी शब्द शिक्षक अध्यापक। नेक्स्ट आँख नैन नेत्र। नेक्स्ट इज घर सदन गृह। नेक्स्ट वर्ड पुत्र बेटा सूत। नेक्स्ट वर्ड इज दुनिया जगत संसार। नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। यहाँ हमें एक वाक्य दिया गया है उसके लिए हमें एक शब्द लिखना है। पहला वाक्य है जो गीत गाता हो। गीत गाने वाला जो गीत गाता है उसको हम क्या बोलते हैं गायक गायक। नेक्स्ट जो नृत्य करता हो। नृत्य करने वाला नृतक नृतक। नेक्स्ट जो अभिनय करता हो। अभिनय मतलब एक्टिंग। जो अभिनय करता है उसको हम क्या बोलते हैं अभिनेता। जो अभिनय करता हो अभिनेता। नेक्स्ट जो किसी वाद्य को बजाता हो मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाता हो। जो किसी वाद्य को बजाता हो वादक वादक। लास्ट है जो गीत लिखता हो। जो गीत लिखता हो उसको क्या कहते हैं गीतकार। जो गीत गाता है वो है गायक और जो गीत लिखता है वो है गीतकार। फिर से मैं रिपीट करती हूँ आप लोगों के लिए। दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। जो गीत गाता हो गायक। जो नृत्य करता हो नृतक। जो अभिनय करता हो अभिनेता। जो किसी वाद्य को बजाता हो वादक। जो गीत लिखता हो गीतकार। ठीक है क्लास, समझ आ गया सबको। अब आपको ये तीनों एक्सरसाइजेज अपनी बुक में ही करनी है और बाकी की एक्सरसाइजेज यू हैव टू डू इट इन योर नोटबुक्स। ओके क्लास, थैंक यू।